नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। वैक्सीन सेंटरों में बीते कुछ दिनों से वैक्सीन लेने वाले लोगों द्वारा शरीयम कोरोना निगमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसकी खबर सिटी हलचल ने प्रमुखता से चलाई, जिसका आज उस समय असर देखने को मिला जब सिविल हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर नरेश कुमार पूरा दिन वैक्सीन सेंटर ITI में निगरानी करते देखे गए। डॉक्टर नरेश खुद वैक्सीन सेंटर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर मात्र उन्हीं लोगों को वैक्सीन हॉल में प्रवेश दे रहे थे जिनका नाम अंदर से पुकारा जा रहा था। आज वार्ड नंबर 18 के पार्षद दीपक नंदा भी स्वास्थ्य विभाग की मदद करते नजर आए और लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहे। खास बात ये भी देखने को मिली कि जहां 18 से 44 आजू वर्ग के लोगों को एक और 45 से अधिक आजू वाले लोगों को दूसरी ओर वैक्सीन दी जा रही थी। इस मौके पर वैक्सीन लेने वाले मोहन कालरा को सुने, उन्होंने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। मेरा नाम मोहन कालरा है जी। हाँ जी, मेरे को आज 45+ वाली वैक्सीन लगी है। हाँ। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा था और अच्छे ढंग से लगवाई है उन्होंने और कोई दिक्कत पेश नहीं आई। और सेंटर दोनों अलग अलग थे, 45+ वाला लगता जी और 18 से 44 वाला लगता है जी। इस मौके पर वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले वैभव आहूजा को भी सुने, उन्होंने क्या कहा। काफ़ी सिस्टमेटिक काम हुआ जी यहाँ पे, बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ। SMO सर डॉक्टर साहब खुद आए हुए थे, बड़े स्मूथली काम हो रहा है और आराम से लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मौके पर वार्ड नंबर 18 से पार्षद दीपक नंदा ने कहा कि आज वैक्सीन सेंटरों में SMO डॉक्टर नरेश कुमार ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी थी और इस दौरान सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा गया। सुने क्या कहा दीपक नंदा ने सिटी हलचल से बात करते हुए। आज बहुत ही सिस्टमैटिकली काम हुआ साढ़े नंगल सिविल हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर नरेश कुमार आज खुद सवेर तो 9 बजे तो इतने मोनीटर खुद कर रहे थे और बहुत ही वधिया तरीके नाल उन्होंने अज जी वैक्सीनेशन का कैंप जोड़ा ये लगवाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होया, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के नाल सब ने बहुत स्मूथली वैक्सीनेशन लगाई। पिछले 2-3 दिन तो सिस्टम बड़ा खराब से, लोगों का रश बहुत से, थोड़ा जहा मैनेज नहीं हो रहा, इस करके अज SDM मैडम ने स्पैशल ड्यूटी SMO डॉक्टर नरेश कुमार जी दिलाई सी। 45 साल तो प्लस जोड़े थे उन्होंने अलग रूम से वैक्सीनेशन हो रही थी और 45 साल के बिलो जोड़े थे उन्होंने अलग रूम से हो रही थी और पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, जिहड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट का जिन्ना डॉक्टर्स जिन्ना स्टाफ बहुत अज लोगों ने भी इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और ये तो शुरू तो ही बहुत ही लोगों नाल कोऑपरेट कर रहे हैं। सो मैं सारे नूं अपील करदा एक बार फिर कि तुसीं बहुत पेशेंस नाल सब दे वैक्सीनेशन लगेगी, सिस्टमैटिकली लगेगी, रोज़ की अराउंड 200 डोज लगती हैं तो उस तरीके नाल आराम ना हो तो कोई जल्दबाजी ना करो, सब दे वैक्सीनेशन के सारे अपने घर के अंदर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो तो मास्क पहन के रखो। धन्यवाद। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु SMO डॉक्टर नरेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से वैक्सीन सेंटरों में वैक्सीन लेने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी और लोग सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसको देखते हुए SDM कन्नू गर्ग ने उन्हें खुद वैक्सीन सेंटर पर जाकर निगरानी करने के आदेश जारी किए थे, इसलिए वे खुद वैक्सीन सेंटर में आए हैं। और आज जहां सब ठीक चल रहा है और 200 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, सुने सिटी हलचल से बात करते डॉक्टर नरेश कुमार ने क्या कहा। कल भी साढ़े को वैक्सीन जी 200 डोज आई हैं और SDM मैडम के नाल असी तालमेल करके मैडम ने कहा कि तुम आप मोनीटर करो क्योंकि 2-3 दिनों तो पिछले बहुत रश चल रहा है और लोग एक दूजे लाइना तोड़ के अगे आ रहे थे तो प्रशासन वालों SDM मैडम नाल तालमेल करके अज मैं आप मोनीटर किया है और साढ़े को लगभग 210 डोज लगे हैं और सारा 9 बजे तो लैके असी हूँ तक मतलब पूरा मोनीटर किया, कोई भी इतने किसी तरह का भी जोड़ा है हरेक चीज़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए और होर सारे चीज़ों को देखते हुए साडा अज का सैशन बहुत सक्सैसफुल और जिन्नी सानू वैक्सीन मिली सी असी उसकी पूरी वैक्सीन लगा दी है। साढ़े को 200 डोजेज आई हैं जिहड़ियां अज लग चुकी हैं तो हूँ शाम को पता लगेगा कि सानू होर कल वैक्सीन कितनी मिलेगी और इस करके हाले कुछ कहना ये मुश्किल है कि सानू कितनी वैक्सीन मिलती है क्योंकि उतों ही मोनीटर होंदा है रोपड़ तो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जिनी वैक्सीन आती है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही कर देंगे तो
इस करके और साढ़े दो सैशन चल रहे हैं। दूसरा जिहड़ा साडा 45 साल तो उत्ते वाला सैशन है, उस दे विच भी असीं जिहड़े फस्ट डोज वाले है उन्हां दे लगा रहे हैं। दूसरे अलग साइट दे विच ITI दे विच ही वह भी साडा पूरी तरह मैनेज। अज जिहड़े जिहड़ा पॉजिटिव आया उहदे 17 दिन जदों दे पूरे होंदे उस तों 6 हफ्ते दे विच तों बाद उस दे वैक्सीन लगाई जाएगी। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।